कुछ दिन पहले यूपी सचिवालय में वेरियस पोस्ट करके रिक्वायरमेंट आई थी, और बच्चे का कमेंट आ रहा है कि तो मैं ऐसे इस वीडियो में कमेंट लूँगा। देन गाइस, अगर आपका भी कोई कमेंट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई दूंगा, जैसे कि ये मैं रिप्लाई दिया हूँ और आपका भी रिप्लाई दूंगा। सो देखते हैं आगे की। और आप लोग न्यू होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गाइस। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि मैं जॉब अपडेट वगैरह आप लोगों के पास देता रहता हूँ, इवन आपके एग्जाम से जो भी कुछ होता है वो चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। तो आज का मैं पहला कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यूपी सचिवालय वेरियस पोस्ट है पाठक का, आपका कमेंट मैं पहला ले रहा हूँ 7 घंटा पहले का। बुक कौन सी रेफ़र करें, मैंने 100% इसमें जिक्र किया होगा कि बुक कौन सा लेना है, जैसे कि मैंने आप लोग का इसमें लिखा जरूर है कि बेस्ट बुक। तो सो गाइस, आप बुक ले सकते हैं, इसके लिए आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं। देन आपका यूपी स्पेशल का कोई और ले सकते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल भी आता है। बाकी प्रैक्टिस के रूप में आप घटना चक्र ले सकते हैं। इससे पहले आप कोई कोचिंग से, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हाई होती है थोड़ा सा उसका अच्छा खासा होता है, तो घटना चक्र हिस्ट्री का उठा सकते हैं एंड साइंस का उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, दो बुक, दो तीन ये सब बुक पढ़ सकते हैं। और आपको मैं बुक बताऊँ, बुक काफ़ी सारा है, मैंने इस वीडियो में जाकर डिस्कशन किया हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक नहीं कई सारा बुक डिस्कशन किया हूँ। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, बाकायदा मैं आपको फ़ोटो के साथ आपको भेजूँगा कौन कौन सा बुक आपको यूज करना है। सो देखते हैं आगे की ओर। अजीत की भी बहुत कमेंट लेना है और मैं 5 मिनट से ज़्यादा का बनाता हूँ। अमित अजीत कुमार है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पर एग्ज़ाम हुआ क्या? जी मैंने मतलब नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, एग्ज़ाम आपका हर पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं होगा, आपके रैंक के हिसाब से आपका पोस्ट तय होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, आपका जो रैंक है उस अकॉर्डिंग आपका पोस्ट तय होगा। तो जितना ज़्यादा रैंक होगा इतना अच्छा आप लोग को पोस्ट मिलेगा। और थोड़ा स्लो बोलिए, आप इतना फास्ट बोलिएगा तो क्या समझ में आएगा। आर्या मिश्रा बोल रहा है, ओके जी नेक्स्ट टाइम से मैं स्लो बोलूँगा, कभी कभी मैं फास्ट बोल देता हूँ और कभी कभी थोड़ा सा मैं भी स्लो बोलता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं पकड़ता हूँ, मैं भी समझता हूँ थोड़ा सा। तो थैंक यू, आपने मेरी कमजोरी बताया। लेस इंफॉर्मेशन मोर टाइम वेस्ट वीडियो, अच्छा आपने शायद मेरे ख्याल से वीडियो लग रहा है मेरे बनाने के 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन के बाद शायद मेरे ख्याल से देखे होंगे, इसीलिए आपको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि आपने कहीं और भी देख लिए होंगे बहुत कुछ, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। जी कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ बोलिए ही नहीं आता। कोई नहीं, मैंने इस चीज़ पे मैंने 2-3 बजे का कमेंट आया और मैंने इस चीज़ को अपनी वीकनेस को मैंने पकड़ा, और नेक्स्ट टाइम से मैं ये चीज़ आपको नहीं आएगी, अब कोई सा वीडियो में नहीं आएगी। हालांकि मैंने उसके बाद ही अपने इस चीज़ को मैंने सुधार लिया था। सो नेक्स्ट कमेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है अच्छा ये है, कॉपी रिटर्न के बारे में बताइए प्लीज़। कॉपी ये है रविंदर कुमार, कॉपी राइटर के बारे में बताइए प्लीज़, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, कॉपी राइटर के मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं थोड़ा सा। सो अगेंस्ट बोलेंगे, मैं ज़रूर आपका कमेंट ले लूँगा। सर रिव्यू ऑफिसर के प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेगा? अच्छा अगर आपको नहीं मिला है तो बताइएगा, बट हाँ इसका आपका रिव्यू ऑफिसर का पेपर आपको शायद मुझे देखना होगा। और मैंने आपको एक बात बताया था, शायद मेरे पास शायद अवेलेबल नहीं हुआ गैस, इसीलिए शायद मुझे लग रहा है मेरी टीम ने मुझे नहीं दिया, नहीं तो मैं अपलोड ज़रूर कर देता। सक्सेना जी कहता कट ऑफ और कितनी जा सकता है, कट ऑफ हमें निगेटिव मार्किंग होती क्या? कट ऑफ हमेशा निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने मुझे याद नहीं है, मैंने उसी टाइम बताया होगा, कट ऑफ हमेशा हाई जाता है लो मत जाता, मतलब मुझे पिछले बार अगर 100 आया तो उस बार 105 आएगा, कुछ ऐसे होता है, हमेशा कट ऑफ बढ़ता है, यस इसको याद रखें गाइस। और मैं देखूँ तो नेक्स्ट कमेंट में ले रहा हूँ, पेज इज़ नॉट वर्किंग क्यों आ रहा है? हम मैंने बताया था ना कि जब भी यूपी का वैकेंसी आए तो बिहार वाले बच्चा दबदबा होता है, वहाँ झारखंड के बच्चे की दबदबा होता है, एंड जो भी सटे हुए एमपी सटे हुए उनका दबदबा, दिल्ली वाले बच्चे जितने मतलब जब भी यूपी में वैकेंसी आते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे उनके फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेडी रहते हैं गौतम जी। सो जिसके कारण से ये नहीं वर्किंग करता है, तो ये रात में आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा यूपी में पॉलिसी ही है। पहली बार कटअप क्या था, पिछले बार का कटअप क्या था, मैंने पिछले वीडियो में शायद डिस्कशन किया होगा शशि कुमार, और कटअप जो भी हो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कटअप 70% मान लीजिए, इस बार मैं आपको 70% बता दूं, उससे आगे पीछे की ही मानिए, याद रखिए 60% से ऊपर, मैं जनरल का बता रहा हूँ इतना ही कटअप जाता है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम पलट लीजिए।
लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्सर रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम का नेगेटिव मार्किंग क्या है पीडीएन नेगेटिव मार्किंग मैं बता नहीं पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास शायद उपलब्ध नहीं है, तो मैं अपने मन से क्या बताऊँ। एंड देन मैंने पहले बताया था एक वीडियो में कि शायद एग्ज़ाम अलग होता है, तो मुझे याद नहीं है अलग होता है क्या, वो तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं रोज़ 2-3-4 वीडियो रोज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपके एग्ज़ाम और रिक्वायरमेंट से, सो मुझे याद नहीं है। सो अगला क्वेश्चन है सर, बैचलर इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है क्या? रजिस्ट्रेशन तो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है, चाहे आप जो सा भी हो, डिग्री वाले अप्लाई किया जा सकता है क्या, या सिर्फ डिग्री? नहीं नहीं, बैचलर ही आप लोग का अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन को कोई वैकेंसी मांगा होगा तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, और देखता हूँ और कोई कमेंट है, और भी कमेंट पूजा का है, जल्दी भर के जल्दी फ्री के बर्बाद ना करें। अच्छा पूजा प्रिया क्वेश्चन है, और उनका कहना है कि जल्दी भर के टाइम नहीं बर्बाद, मतलब फी नहीं बर्बाद करना है, तो जी कोई नहीं, आप लेट से ही अपना फॉर्म फिल कीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग पड़ता है। मैं इसलिए जल्दी बोला था क्योंकि अभी बच्चे बता रहे थे सर्वर प्रॉब्लम है, सो इसलिए मैं बोला था जितना जल्दी फ्री कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होगा जैसे बच्चा और ज़्यादा भरेगा, जैसे जैसे बच्चा को मालूम होगा, सो इसीलिए मैं बोलता हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।